जो अभियान चल रहा है उसमें कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ? सर नशे का जो अभियान सर 8 तारीख से चला सर, उसमें सर 9 एनडीबीएस के प्रकरण बने हैं सर और 181 सर 183 सर आबकारी के प्रकरण बने सर, काफी कार्रवाई हुई सर। और जो प्रचार प्रसार भी हो रहा सर, वो जो लोगों को समझाइश वाली कार्रवाई सर, उसमें लगातार कैंप लग गया सर। एक कैंप में सर विधायक जी खुद ही सर उपस्थित हुए थे सर और लोगों को सर गाँव में शपथ भी दिला रहा सर, जहाँ पर नशा का ज्यादा प्रभाव होता सर वहाँ पर लोगों को शपथ भी दिला रहा सर। तो ये बिल्कुल चलता रहे, अवैध करने वालों की कमर तोड़ दो भाई। बिल्कुल सर, ये गांव गांव में दुकानों में बिक रही है, कहीं फलानी जगह बिक रही है, ढिमकी जगह बिक रही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत। और नीचे भी अब ये चेक करके रखो, नहीं कोई इस अभियान के नाम पर पैसे दे ले लेने लगे। देखिए बहुत पवित्र उद्देश्य से हम कर रहे हैं और इसलिए मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। केवल डंडा चलाने से काम नहीं होगा, जो लोग पीते हैं उनको समझाना भी है कि नशा नाश की जड़ है और परिवार को, शरीर को, धन को, सबको तबाह कर देता है। अभी तक हम लोगों ने सर पूरे 2022 में 1680 प्रकरण बने सर, इसमें काफी मात्रा में शराब जब्ती है और निरंतर प्रयास करके सर पूरा जो है नशा मुक्ति का प्रयास करते हैं। और नीचे भी आप ये चेक करके रखो, नहीं कोई इस अभियान के नाम पर पैसे दे ले लेने लगे। मुख्यमंत्री बड़े सकते हैं भाई, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा उपयोग नहीं करते उसका, नहीं ये भी नजर रखने की जरूरत है। जी सर, नीचे स्टाफ थाने इस काम में नहीं लग जाए। जी जी सर, इसको कैसे चेक करते हैं? कमिश्नर आईजी बैठे हैं हमारे। नमस्कार सर, अनुराग बोल रहा हूँ। नशा मुक्ति अभियान का पूरे संभाग में सर बहुत अच्छा काम चल रहा है सर और कई प्रकरण बने हैं सर, लगभग 1700 से अधिक प्रकरण हमारे पूरे संभाग में बने हैं शराब के विरुद्ध, और लगभग 45 के आसपास हमने एनडीपीएस की कार्रवाई भी किया। जन जागरूकता का अभियान भी लगातार चल रहा है सर, 1000 से अधिक जन जागरूकता अभियान स्कूल में, कॉलेजेस में, गांव में जाके कर रहे हैं सर। सार्वजनिक स्थलों पे जहां भी शराब पीने की शिकायतें हैं या फिर मादक पदार्थ पीने की शिकायतें हैं सर, वहां पे भी हम देखिए, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है लोगों को नल से जल घर में पहुँचाना, और इसलिए कलेक्टर को भी, पूरी टीम को, पीएचई के लोग वहाँ बैठे हैं, जल निगम के लोग हैं, पूरी गंभीरता से इसकी समीक्षा करनी चाहिए, काम घटिया ना हो। कम से कम 30-35 साल तो इस योजना का लाभ लोगों को बिना किसी बाधा के मिलता रहे। और इसलिए मैं अपने जिलों की भी जो वीसी करता हूँ सवेरे, उसमें सबसे पहले जल जीवन मिशन ही लेता हूँ। तो आप सब लोग अभी मुझे संतुष्ट लग रहे हैं, कुछ चीज़ें रिस्टोरेशन की है, कुछ और सुधार की है, वो कीजिए, लेकिन ये जल देना बहुत पुण्य का काम है, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देके एक मेरा निर्देश है।